आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। इसके लिए सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है, हड्डी वाला बीफ लिया है 1/2 किलो। सॉल्ट है 1 टीस्पून, रेड चिलीज पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून, और उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला है जिसमें मैंने काली मिर्च थोड़ी सी ली है, एक छोटी स्टिक सिनेमन की दालचीनी की ली है और 2 लौंग ली हैं। इसके अलावा धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, और मैं यूज़ करूँगी 1 भर के बड़ा टेबलस्पून लहसुन अदरक, और 1 मैंने ग्रीन चिली यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ा सा करी पाउडर यूज़ करूँगी 1 टीस्पून। मैं शान का यूज़ करती हूँ, आपकी मर्ज़ी, जो भी आप करना चाहें। फिर मैंने 3 टेबल स्पून दही लिया है जिसको मैंने बीट करके फेंट के रख लिया है। फिर मेरे पास यहाँ पे टोमेटोज़ हैं, इनको डाइस टोमेटोज़ हैं, ये 2 टेबल स्पून ले लीजिए। और इसके अलावा मेरे पास 3 अनियंस हैं, इनको मैं स्लाइसेस में काटूंगी। इसके अलावा मेरे पास ये पालक है, अबाउट 3 कप्स है, ये मैंने काट के फ्रीज किया हुआ था। और इसके लिए मुझे थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ करूँगी मैं। चलें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंस्टेंट पॉट सॉटे मोड में ऑन कर दूँगी। इसके बाद मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, और ये मैंने प्याज काट के रख ली है, स्लाइस कर ली। प्याज मैंने इसमें ऑयल में डाल दी है और इसको अब मैं फ्राई करूँगी। हमें इसे लाइट गोल्डन करना है। इंस्टेंट पॉट में हर काम बहुत जल्दी हो जाता है, आजकल के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें डिशेज भी सब बहुत टेस्टी बनती हैं। देखिए मेरी प्याज ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन है, कोई दाग भी नहीं हुई है अभी, बहुत अच्छा कलर है। अब इसमें मैं ये हर काम कर दूँगी। इसके अलावा इसमें लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी और ये ड्राई इन्ग्रीडियंट शामिल कर दूँगी। क्योंकि इसमें धनिया शामिल है, उसके लिए हमें इसको उसके लिए भी और गोश्त भी स्मेल निकालने के लिए हमें इसे भूनना पड़ेगा। जब भी हम देखें कि थोड़ा सा पानी नहीं है, हम थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जलने ना दें। एक दफ़ा और थोड़ा सा पानी डाल लें, 2-3 दफ़ा थोड़ा सा पानी डालें और फिर
चार मिनट तक इसी तरह पानी डाल डाल के उसको भूनना। काफ़ी अच्छा बन गया, उसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूँगी। इसके अलावा ये दही भी शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा और भूनेंगे। ताकि दही और टमाटर दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। डेढ़ ग्लास पानी डाल दिया मैंने इसमें। और इसके अलावा मैंने इसमें ये एक टीस्पून शान का मसाला, कोरमा मसाला भी शामिल कर दिया। बस अब हम इंस्टेंट पॉट को बंद कर देंगे। सॉटे मोड कैंसिल करेंगे और मीट एंड स्ट्यू पे लगाएंगे। मैं 15 मिनट का प्रेशर दे रही हूँ। ये मैंने एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ और इसमें 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा क्रैकल करेंगे हम। इसके बाद इसमें हम ये पालक शामिल कर देंगे। इसमें मैं थोड़ी सी कुटी भी मिर्च 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी। इसका थोड़ा सा हम पानी सुखाएंगे और फिर अपने गोश्त में शामिल करेंगे। इस तरह आपका टाइम सेव होगा, वरना अगर आप इस स्टेज पे गोश्त में डाल देंगे तो उसमें बहुत पानी पानी हो जाएगा, फिर आपको वो खुश करना पड़ेगा।
ये देखें काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे साइड पे रख दूंगी। ये मैंने इंस्टेंट पॉट खोल लिया है, ये हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार है। कोरमा बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल करूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कोरमे की। अगर आपको पालक ना डालना हो तो ये बहुत अच्छा कोरमा तैयार है। अब हम इसमें ये पालक शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम फिर से अपना इंस्टेंट पॉट बंद करेंगे। अब मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी 3 मिनट्स के लिए। मैंने इंस्टेंट पॉट खोला, ये बिल्कुल तैयार है। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें पानी ज़्यादा हो तो आप ड्राई कर सकते हैं सॉटे मोड में, और अगर और पानी चाहिए तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और इसी स्टेज पे अगर आप थोड़ा सा टेस्ट करना चाहें नमक मिर्च वो भी कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, मैं अब इसको डिश आउट करूँगी। ये मैंने डिश आउट कर लिया है। पालक गोश्त बहुत बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार और बहुत जल्दी देखें बन गया, बहुत मज़ेदार है। आप भी ट्राई कीजिए और फिर अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।